हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, घर में सो रही अधेड़ महिला की गला दबाकर कर हत्या कर शव को घर पीछे डाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंपा। अलवर जिले मौड़हन थाना क्षेत्र के कान्हावास गांव में बीती रात्रि को घर में सो रही 60 वर्षीय महिला विमला यादव की अज्ञात लोगों ने गला दबाकर कर हत्या कर शव को घर के पीछे डाला। परिजनों ने शव को देख पुलिस को दी सूचना। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को रखवा कर शव का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंपा। भिवाड़ी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा ने बताया, मौड़हन थाना प्रभारी मुकेश यादव को अल्प सुबह सूचना मिली कि कहानावास गांव में अधेड़ महिला विमला देवी की हत्या कर शव को मृतका के घर के पीछे फेंका गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवा कर मृतका का शव का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिया। एक टीम निमराना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीना के नेतृत्व में गठित कर दी गई है। घर के लोगों से पूछताछ कर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस को घटना स्थल हम सबूत मिले। कैसे क्या घटना हुई है? सर, ये रात को 9 बजे खाना खाके और चारपाई पे सो गई थी अंदर जी। उसके बाद में सुबह 4:30 बजे हमने देखा, उठे जब मम्मी चारपाई पे नहीं मिली हमें जी। उसके बाद हमने काफी ढूंढा, ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिली। फिर घर के पास मेरी रूढ़ी है एक, बिल्कुल वही वहाँ पर दिखाई दिया, तो हम टॉर्च लेके गए। वहाँ देखा तो किसी ने गला दबा कर उसको मार के डाल रखी थी। कितना बजे देखा था आपने? हमने सर 4:30 और 5:45 बजे के बीच में देखा था। हाँ जी, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक सर हमने उठते ही फिर देखते ही पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर चली गई थी। उसके बाद एडिशनल SP साहब भी आए थे, उसके बाद यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेके आए थे। ये भी पोस्टमार्टम हो रहा है। पूरे गाँव में रोष है। अचानक ये जो घटना हुई है ये बड़ा हादसा है और इसके ऊपर जरूरी से जरूरी कार्रवाई जो बनती है वो की जाए, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूरा गांव एकजुट खड़ा हुआ है, अन्यथा आगे की कार्रवाई गांव करेगा। अगर प्रशासन नहीं जागा, इसके मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो ये बात उच्च स्तर तक जाएगी और जो भी ठोस कदम उठाने पड़े गाँव को, पूरा गाँव एकजुट है और वो सारे के सारे जितने भी गांव हैं उनमें पूरे के पूरे में एक शोक की लहर दौड़ी हुई है और इस बात का खुलासा हो ये पूरे ही ग्रामवासी चाहते हैं। मैं खुद इस वार्ड का वार्ड पंच हूँ, मैं खुद चाहता हूँ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि जो भी जिसने भी ये क्राइम किया है उसका पर्दाफाश होना चाहिए और उसको जनता के सामने लाना चाहिए। दिन ब दिन ये घटनाएँ बढ़ रही हैं, आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। आने वाले समय में इतना संकट दिख रहा है हमें कि घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो जाएगा। ये हमारी माताजी थी, ये घर से बाहर ही नहीं जाती थी, ये तो घर में ही थी। जबकि अचानक में ऐसा क्या हुआ, जो कौन व्यक्ति आए, किसने क्या किया कि वो गले में निशान है, उनके साथ हाथापाई भी हुई है और वो घर से 50 मीटर दूर पे रूढ़ी पड़ी हुई हमारे घर की, उसके पास में उसकी डेड बॉडी मिली हमें। हमने बाजू वाले डॉक्टर को बुलाया, उनसे दिखाया तो उन्होंने देखते कह दिया कि भई ये मृत घोषित है, ये मर चुकी है। अब हम इनको लेकर के और यहाँ पे आए हैं, मांडन हॉस्पिटल लेके आए हैं। अब इनका पोस्टमार्टम हो रहा है, आगे की जो कार्रवाई हो वो हम सभी ग्रामवासी यही चाहते हैं। हमारे सरपंच साहब भी यही हैं, जनप्रतिनिधि भी यही हैं, जितना जल्दी हो सके इनकी गिरफ्तारी हो और इस मामले का खुलासा हो। बस हम का शुभ नाम? मेरा नाम योगेंद्र यादव है। नवीन कुमार है मेरी मम्मी, इनकी मम्मी थी, ये उनके बेटे हैं। सर, जो ये आज घटना हुई है कैसे क्या हुई है कुछ पता लग पाया? ये मांडन थाने के अंदर कानासर गांव है, जिसमें विमला वाइफ ऑफ कैलाश चंद्र, ये 60-62 साल की महिला थी, जिनके दो लड़के एक दिल्ली पुलिस में है और एक CRPF में, एक लड़का खेतीबाड़ी कर रहा है। तो पीछे जो गांवों के अंदर आगे घर का भवन बना हुआ है, पीछे बाड़ा बना हुआ है, उसके अंदर जो खाली मिट्टी की जगह तूड़ी वगैरह पड़ी है, वहाँ उनकी डेड बॉडी मिली है। प्राथमिक उपचार इन्होंने घर पे किया तो पता चला कि डेड हो गई, फिर हॉस्पिटल लेके गए और थाने में भी सूचना मिली है। परिवार से लेकर गांव का लूट का चरित्र का जो जो मैटर पुलिस के सामने आएंगे उस पर तहकीकात करेंगे, अनुसंधान करेंगे। हमने टीम बना ली है, एडिशनल साहब के निमराना के नेतृत्व में, हमने जगराम जी मीणा साहब के नेतृत्व में टीम बनाई है, CO साहब, SHO साहब और कई अन्य अधिकारी भी इसमें लगे हैं। प्रथम तय है कि मृतका का पोस्टमार्टम हो जाए, उसके बाद में परिवार को सांत्वना देके उनसे सबसे अलग अलग पूछताछ करेंगे और जल्दी इस मर्डर का खुलासा करें। थैंक यू।